नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग के मैच नंबर 19 के प्रेडिक्शन के बारे में। यहां पर गाइस आप सभी को खेला जाता हुआ दिखाई देगा कोलकाता वर्सेस हैदराबाद दोनों ही टीम्स के बीच में। साथ ही गाइस शेयर करेंगे इस वीडियो में इस मैच की सिक्स ग्रैंड लीग टीम्स। साथ ही गाइस देखेंगे इस वीडियो में इस मैच के अंदर बेस्ट CVC पिक्स कौन से प्लेयर्स इस मैच के अंदर हो सकते हैं। साथ ही गाइस कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज आप सभी को इस मैच के अंदर बहुत ज़्यादा डाउन देखने को मिलेगा। बट यहाँ से गाइस डिफरेंशियल गेम चेंजर एंड ट्रंप कार्ड पिक्स आप सभी की टीम्स में हो सकते हैं। सभी चीज़ें गाइस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड क्यों इस मैच के अंदर सुनील नरीन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, क्यों इस मैच के अंदर आप सभी राहुल त्रिपाठी को CVC ट्राई करके चल सकते हैं। सारी चीज़ें गाइस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या एक बार फिर से मयंक मारकंडे इस मैच के अंदर 2 से 3 विकेट निकाल सकते हैं। सभी चीज़ें गाइस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब गाइस हम सभी वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले गाइस आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट। सभी मैचेस से जुड़ी जो भी फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स रहने वाली है आप सभी को गाइस हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप सभी को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। वहाँ से जाकर फ्रेंड्स आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे गाइस हमारी 6 GL टीम्स के बारे में। तो फर्स्ट टीम के अंदर गाइस मैंने कोलकाता की तरफ से 5 प्लेयर्स को पिक किया है एंड SRH की तरफ से 6 प्लेयर्स को पिक किया है। विकेट कीपिंग सेक्शन से गाइस मैंने पिक किया है रहमानुल्लाह गुरबाज को। बैटिंग सेक्शन से मयंक अग्रवाल, नीतीश राणा एंड राहुल त्रिपाठी को मैंने कैप्टन किया है। कैप्टन करने का रीज़न गाइस आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। वाइस कैप्टन मैंने किया है सुनील नरीन को एंड एडन मार्करम को। ऑलराउंडर सेक्शन से पिक किया है, उन्हीं के साथ गाइस मैंने पिक किया है मार्को जैनसन को। बॉलिंग सेक्शन से भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, मयंक मारकंडे एंड सुयश शर्मा डिफरेंशियल प्लेयर इस मैच के अंदर हो सकते हैं, गेम चेंजर पिक, उन्हें मैंने यहाँ पर पिक किया है। इस टीम में गाइस कैप्टन मैंने किया है राहुल त्रिपाठी को। रीज़न गाइस हेड टू हेड एंड वेन्यू पर बहुत अच्छे नंबर्स है। हेड टू हेड टोटल 8 मैचेस के अंदर 279 रन स्कोर किए हैं एंड 35 का गाइस यहां पर बैटिंग एवरेज रहा है। एंड उससे भी अच्छे गाइस नंबर्स वेन्यू पर है, 4 मैचेस के अंदर 140 रन है एंड ऑलमोस्ट 50 का बैटिंग एवरेज, 47 का यहाँ पर बैटिंग एवरेज इस वेन्यू पर रहा है। एंड गाइस वाइस कैप्टन मैंने किया है सुनील नरीन को, बिकॉज गाइस ये वेन्यू स्पिनर्स को बहुत हेल्प करता है एंड इसलिए गाइस सुनील नरीन ने भी वेन्यू पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 46 मैचेस के अंदर 58 विकेट्स इन्होंने इस वेन्यू पर निकाली हैं। प्लस गाइस टीम का होम ग्राउंड है एंड इसलिए प्लेयर्स को एक्सपीरियंस है वेन्यू पर प्ले करने का एंड डिफरेंशियल प्लेयर इस मैच के अंदर हो सकते हैं सुयश शर्मा। लेग ब्रेक बॉलिंग कराते हैं, इस वेन्यू पर 1 मैच प्ले किया है एंड 3 विकेट इन्होंने निकाली है। सो इस मैच के अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम टीम्स के अंदर आप सभी को पिक करके चलना चाहिए। सेकेंड GL टीम के अंदर गाइस मैंने कोलकाता की तरफ से 6 प्लेयर्स को पिक किया है एंड हैदराबाद की तरफ से 5 प्लेयर्स को पिक किया है। विकेट कीपिंग सेक्शन से डिफरेंट जाते हुए एंड जगदीशन को फिलहाल मैंने पिक किया है। बैटिंग सेक्शन से नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर एंड राहुल त्रिपाठी को इस टीम के अंदर मैंने पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन से 4 प्लेयर्स को पिक किया है, सुनील नरीन, एडन मार्करम, शार्दुल ठाकुर एक डिफरेंशियल हो सकते हैं एंड उन्हीं के साथ मार्को जेंसन को मैंने पिक किया है। एंड बॉलिंग सेक्शन से वरुण चक्रवर्ती, मयंक मारकंडे एंड उमरान मलिक को गाइस इस टीम के अंदर मैंने पिक किया है। इस टीम में गाइस कैप्टन मैंने किया है मार्को जेंसन को। हेड टू हेड 3 मैचेस के अंदर 2 विकेट्स निकाली है। लास्ट मैच के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स इन्होंने निकाली थी एंड वाइस कैप्टन मैंने किया है सुनील नरीन को। एंड इस टीम में गाइस मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से डिफरेंट जाते हुए एंड जगदीशन को पिक किया है, जिन्होंने हेड टू हेड 1 मैच के अंदर 39 रन स्कोर किए। साथ ही गाइस वेन्यू पर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, तो कुछ टीम्स के अंदर आप सभी को पिक करके चलना चाहिए। थर्ड GL टीम के अंदर गाइस मैंने कोलकाता की तरफ से 5 प्लेयर्स को पिक किया है एंड SRH की तरफ से 6 प्लेयर्स को पिक किया है। विकेट कीपिंग सेक्शन से रहमानुल्लाह गुरबाज, बैटिंग सेक्शन से वेंकटेश अय्यर, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, लास्ट मैच के हीरो एंड हैरी ब्रूक को यहां से मैंने पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन से सुनील नरेन एंड मार्को जैनसन, बॉलिंग सेक्शन से भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, मयंक मारकंडे एंड उमरान मलिक को इस टीम के अंदर मैंने पिक किया है। इस टीम में गाइस मैंने कैप्टन किया है मयंक मारकंडे को एंड वाइस कैप्टन मैंने किया है भुवनेश्वर कुमार को। इन्होंने गाइस हेड टू हेड 2 मैचेस के अंदर 2 विकेट्स निकाली है इस वेन्यू पर, 4 मैचेस में 3 विकेट्स निकाली है एंड भुवनेश्वर कुमार ने गाइस हेड टू हेड 25 मैचेस प्ले किए हैं, 30 विकेट्स निकाली है वेन्यू पर, 11 मैचेस में 14 विकेट्स निकाली है। फोर्थ GL टीम गाइस मैंने बॉलर्स के फेवर में क्रिएट की है, बट यू नो व्हाट गाइस ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है। बट थोड़ा डिफरेंट जाते हुए बॉलिंग सेक्शन से मैंने 6 प्लेयर्स को पिक किया है, जहाँ पर गाइस मैंने पिक किया है भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, लॉकी फर्गिसन, वरुण चक्रवर्ती, मयंक मारकंडे एंड श्रेयस शर्मा को। अब यहाँ पर गाइस बॉलिंग सेक्शन से मैंने 3 स्पिनर्स को पिक किया है एंड 3 पेसर्स को पिक किया है। विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक किया है रहमानुल्लाह गुरबाज, बैटिंग सेक्शन से राहुल त्रिपाठी, इनफॉर्म बैट्समैन, लास्ट 2 मैचेस के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है एंड ऑलराउंडर सेक्शन से सुनील नरीन, आंद्रे रसल एंड एडन मार्करम को गाइस मैंने पिक किया है। कैप्टन गाइस इस टीम के अंदर मैंने किया है भुवनेश्वर कुमार को एंड वाइस कैप्टन मैंने किया है रहमानुल्लाह गुरबाज को।
अब बात करेंगे फ्रेंड्स हमारी फिफ्थ जीएल टीम के बारे में। सो यहाँ पर गाइस मैंने केकेआर की तरफ से 7 प्लेयर्स को पिक किया है एंड एसआरएच की तरफ से 4 प्लेयर्स को पिक किया है। विकेट कीपिंग सेक्शन से अगेन पिक किया है रहमान उल्लू गुरबाज को, बैटिंग सेक्शन से मयंक अग्रवाल एंड राहुल त्रिपाठी, उन्हीं के साथ नीतीश राणा, वेंकटेश अय्यर एंड रिंकू सिंह को गाइस इस टीम के अंदर मैंने पिक किया है। ऑलराउंडर सेक्शन से सुनील नरीन, एडन मार्करम एंड शार्दुल ठाकुर एंड बॉलिंग सेक्शन से टी नटराजन एंड श्रेयस शर्मा को गाइस इस टीम के अंदर मैंने पिक किया है। कैप्टन गाइस मैंने किया है एडन मार्करम को एंड वाइस कैप्टन मैंने किया है राहुल त्रिपाठी को। सो गाइस हमारी लास्ट एंड सिक्स्थ जीएल टीम के अंदर मैंने केकेआर की तरफ से अगेन 7 प्लेयर्स को पिक किया है एंड एसआरएच की तरफ से 4 प्लेयर्स को पिक किया है। विकेट कीपिंग सेक्शन से पिक किया है रहमान उल्लू गुरबाज को, बैटिंग सेक्शन से मयंक अग्रवाल, वेंकटेश अय्यर एंड रिंकू सिंह। इस टीम के अंदर गाइस मैंने इनफॉर्म बैट्समैन राहुल त्रिपाठी को ड्रॉप किया है। सो कुछ टीम्स के अंदर आप सभी को भी ड्रॉप करके चलना चाहिए। ऑलराउंडर सेक्शन से आंद्रे रसल, एडन मार्करम, शार्दुल ठाकुर एंड मार्को जेनसन एंड बॉलिंग सेक्शन से भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव एंड लॉकी फर्ग्यूसन को गाइज मैंने पिक किया है। कैप्टन गाइज मैंने किया है मार्को जेनसन को एंड वाइस कैप्टन मैंने किया है मयंक अग्रवाल को। आई होप गाइज आज के इस वीडियो से आप सभी को अपनी स्मॉल लीग्स एंड ग्रैंड लीग टीम क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगर गाइज आप सभी की वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो सो फ्रेंड्स इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए एंड इफ़ यू आर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब अवर चैनल। साथ ही गाइज फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स के लिए लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल को आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी ने वीडियो एंजॉय करी होगी एंड गाइज आप सभी का एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।